told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and what. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, उसके लिए मैंने ली है इसमें दही। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नमक। नमक के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर फॉर द कलर। अब मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से कोट कर लूँगी। आपको भी इसको बहुत अच्छे से कोट करना है ताकि सारा मसाला बहुत अच्छे से इसके अंदर रम जाए। उसके बाद फिर इसको ढक के आपको रखना है कम से कम 3-4 घंटे का टाइम है, तो टाइम नहीं है तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हो। अब मैंने पैन लिया, पैन के अंदर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल आपको अपने हिसाब से डालना, थोड़ा ज़्यादा डालना वरना लगने का डर रहता है। मेरे पास नॉनस्टिक तवा नहीं था, नॉनस्टिक पैन नहीं था, तो मैंने इसमें ये पैन की सारी कोटिंग हट चुकी है तो मेरा थोड़ा सा चिपक गया था इस पर चिकन बनाते टाइम। सारे पीसेस को अच्छे से ऐड कर लीजिए, सेट कर लीजिए। थोड़ा खुले खुले खुला खुला रखिएगा पीसेस को ताकि वो आपस में अच्छे से कुक हो जाए। अब इसको पलट के एक बार दोबारा से दूसरी साइड से फ्राई करिए। ये देखिए, यहाँ पर मेरे सारे पीसेस फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसको अलग से निकाल लूँगी सारे पीसेस को एक प्लेट में सेपरेटली, और ये तेल आपको अलग यूज़ करने में बाद में काम आएगा, इसको संभाल के रखना है आपको। अब मैं हम तैयार करेंगे यहाँ पर ग्रेवी। ग्रेवी के लिए मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर से मैंने सरसों का तेल यूज़ किया फॉर द टेस्ट या फ्लेवर। आप इसके अंदर बटर या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अंदर डालेंगे इसके प्याज का पेस्ट, मैंने अलग से बना के रखा था वो मैंने इसमें डाल लिया। प्याज के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करेंगे आप ग्रेवी ब्राउन होने तक। अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने लाल मिर्ची और हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर दोबारा से डाला, नमक ऐड किया ग्रेवी के अंदर फ्लेवर लाने के लिए। अब इसको अच्छे से मैं फ्राई करूंगी मसाले को। ये देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया। मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर की प्यूरे ताकि ग्रेवी अच्छी बने। फिर जो तेल मैंने बचाया था फ्राई वाला, वो जिसमें फ्राई पीसेस करे थे चिकन के, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया, वो बच गया था, फ्लेवर अच्छा आता है इससे। अब देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया। अब यहाँ मैरिनेशन का थोड़ा सा पेस्ट बचा हुआ था, उसके अंदर पानी डाल के मैंने इसमें ऐड कर दिया। फालतू चीज़ें फेंकती नहीं हूँ मैं इधर उधर की, चलो बचाया तो फेंक दो। अभी देखिए, मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है अच्छे से, मतलब मसाला भुन चुका है। अब सारे जो फ्राइड पीसेस थे चिकन के, वो मैं इसमें सेट कर दूंगी प्रॉपरली। आपको अच्छे से सेट करना है इसके अंदर सारे पीसेस, इसके अंदर अच्छे से लगा दीजिए। ये देखिए, मैं इसके अंदर सारे पीसेस बहुत अच्छे से लगा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ससुर जी आने वाले थे तो मुझे कुछ अच्छा बनाना था, और यहाँ क्या हुआ, मेरे जो कढ़ाई थी ना वो छोटी पड़ गई, चिकन ज़्यादा था लगभग 1 किलो के करीब, इसलिए मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया। अब यहाँ पर मेरा चिकन भुन रहा है, इसको आपको अच्छे से भुनने देना है काफ़ी देर तक। अब आपको जो इसका किंग इंग्रेडिएंट है वो आपको इसके अंदर डालना है, वो है क्रीम। आप इसके अंदर काजू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो ज़्यादा रॉयल और अच्छा टेस्ट देने के लिए। क्रीम को अच्छे से डालने के बाद मिलाओगे आप, क्रीम आपको मिलानी है एंड में बिल्कुल, ठीक है। अब ये देखिए, मेरा चिकन बनकर तैयार है, एकदम सिल्की स्मूथ ग्रेवी। इसके अंदर ऊपर से गार्निश कर देंगे इसको कोरिएंडर लीव्स के साथ, मतलब धनिया की पत्ती के साथ, और आप देखो कितना टेस्टी बना है। शाम को जब मैंने ससुर जी को खिलाया तो उनको ये बहुत पसंद आई थी ये रेसिपी। आप भी मुझे बताना अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब यहाँ पर अगली रेसिपी है मेरी, मतलब तरीका है लच्छा पराठा बनाने का। ये देखिए, आप पहले जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हो वैसे रोटी को पूरा बेल लो अच्छे से, और इतना बड़ा बेल लो ताकि आपके पूरा जो चकला है ना उसके ऊपर पूरा ये बैठ जाए, मतलब आपकी रोटी। अब इसके ऊपर आपको लगाना है रिफाइंड या जो भी आप ऑयल लगाते हो वो, सूखा आटा इसके ऊपर थोड़ा सा बिखेर दीजिए अच्छे से किनारों पे चारों तरफ। इससे जो है ना आपका लच्छा पराठा क्रिस्पी बनता है। अब अजवाइन डालने के बाद फिर मैं डाल रही हूँ ऊपर से कसूरी मेथी। आपको साड़ी की प्लेट्स की तरह जैसे बनाते हैं ना वैसे इसकी प्लेट्स बनानी है। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, पूरी प्लेट्स बनाने के बाद आप इसको हल्का साइडों से खींचिए, थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए और फिर उसका रोल बना दीजिए जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद सूखा आटा लगाने के बाद जैसे आप नॉर्मल पराठा बेलते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल पराठा जैसे बेलते हो वैसे इसको बेलो अच्छे से। ये नहीं कि यहाँ से मोटा नहीं होना चाहिए, वहाँ से मोटा नहीं होना चाहिए, जैसे नॉर्मल बनाते हो वैसे। अब ये दूसरा तरीका है लच्छा पराठा बनाने का, आपको बीच में से एक चाकू से कट लगाना है, उसके बाद लो इसको रोल कर देना है जैसे कोन की तरह, और फिर नॉर्मल बेल दो। अब इस पराठे को मैं डाल रही हूँ तवे के ऊपर, जैसे ही नॉर्मल पराठा बनाते हो वैसे ही इसको सेको। कोई भी इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यहाँ से ऐसा सेकना है, वहाँ से ऐसा सेकना है, इतना घी लगाना है, उतना घी लगाना है, ये सब फालतू की बातें होती हैं। आपको जैसे आप अपना नॉर्मल पराठा बनाते हो घर में बच्चों को टिफिन के लिए, घर के लिए, आप वैसे इसको सेक सकते हो हल्का हल्का घी लगा के किनारों पर ताकि अच्छे से क्रिस्पी बने। आप इसको सेको, जैसे मेरा पराठा रेडी हो रहा है आप देख सकते हो ना, इसको फिर पलट के भी एक बार अच्छे से आप सेक लो घी, मतलब ज़्यादा आप जितना लगाते हो उतना लगाओ। और यहाँ पे ये मेरी प्लेट बन के तैयार है। यहाँ देखो, मेरा क्रीमी सिल्की स्मूथ ग्रेवी वाला चिकन भी रेडी है, यमी यमी चिकन। ये देखिए, इसकी ग्रेवी कितनी मस्त बनी है ना, इतना टेस्टी बना था ये, इतना टेस्टी बना था मैं बता नहीं सकती।
और ना आप इसके अंदर, मतलब जैसे मैंने बताया ना, आप इसमें क्रीम ऐड कर दो, लेकिन एंड में ऐड करना, काजू का पेस्ट ऐड कर सकते हो आप इसके अंदर। और वो जो मैरिनेशन मैंने बताया था ना, मैरिनेशन में आप ना अगर वेजिटेरियन हो तो आप उसके अंदर जो है मशरूम ऐड कर दो, सोया चाप ऐड कर दो, और जो है क्या कहते हैं उसको, सोयाबीन ऐड कर दो। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away.